ये है 21वीं सदी के भारत की तस्वीर, जहां लोगों को पीने के पानी के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। जिन्हें मिल गया वो खुशकिस्मत। ये नजारा है पन्ना जिले के अजयगढ़ नगर पालिका का, जहां आजादी के 70 साल बाद भी सरकार लोगों के पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाई। कैसे की होती है, कभी कभी टंकी आ गई तो मिल गई, नहीं तो दूर जाते, कहीं है चौबियाने गए, कहीं कहीं गए पानी लेने, वहां तक जाते हम लोग, तहसील तक पानी लेने जाते हैं, पानी नहीं मिलता पीने के लिए। अधिकारियों से शिकायत नहीं की, की है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं आता, सुनते तक नहीं कहा तो उनको कोई जवाब हाँ कह देंगे। हमने कई बार हमने कहा जोन ये आता है यहाँ का, हम लोग का वो है पार्षद, उससे कहा कि नल बगड़ा है, पानी हमको पानी दे तो कहता आ रही है, आ रहे हम आ रहे हैं, कहेगा बस, उसके बाद कुछ नहीं कहता बस। चुनाव आते हैं, नेता भी आते हैं, घोषणाएं होती है, जीत जाते हैं, फिर नजर नहीं आती। नजर आती है तो सिर्फ पाने के लिए लड़ती ये भीड़। जिंदगी का आधा वक्त इन गरीबों का सिर्फ टैंकर की राह देखने में ही कट गया। पानी की व्यवस्था है दिन पर दिन खराब होती जा रही है, इसमें आपका क्या कहना है? अब भाई पहली बात तो ये है कि इस साल बारिश कम हुई, पन्ना जिला में सबसे कम बारिश हुई अलीगढ़ तहसील में, और अलीगढ़ तहसील में बारिश कम होने की वजह से हैंडपम्प जवाब दे रही, नगर पंचायत तो दे रही टंकी की व्यवस्था, मगर स्थायी व्यवस्था नहीं है। स्थायी व्यवस्था के लिए उनको पाइपलाइन डालना चाहिए या टंकी बनाना चाहिए। आज 15 से 20 साल के करीब लगभग गुजर चुके हैं जो लोगों ने बताया, लेकिन स्थायी व्यवस्था नहीं की गई, जिसमें मंत्री मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि बनाई। भाई हमने कई मरतबे नगर पंचायत में आवाज उठाई कि टंकी बना दीजिए आप एक ही, तो जिसमें एक वार्ड और दो वार्ड के जो रहवासी है रहने वाले हैं उनको हमेशा के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए, तो वो टंकी बनाई नहीं जा रही, कारण क्या है उसका? मंत्री महोदय ने जो है कई मरतबे आश्वासन दिया और कहा कि बन जाएगी, अब कार्यकाल पूरा हो रहा है 5 साल का, फिर भी नहीं बनी, इसमें गलती किसकी है? इसका कारण क्या है भाई? सरकार गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और सब सुविधाएं होने के कारण भी नहीं बन पा रही, इसमें वासी परेशान हो रहे, इसमें आज दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है पानी के पीछे। इसमें गलती किसकी मानते हैं? अब गलती तो यही है भैया कि प्रशासन ढीला है। आपका नाम? हमारा नाम है धनीराम खटीक। यहाँ पे आज लगभग 15 से 18 साल के समथिंग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आज खड़ा हूँ यहाँ डाक्टरी मोहल्ला अजयगढ़ वार्ड नंबर 2 नेहरू वार्ड में, यहाँ की नगर परिषद ने आवेदन दिया और SDM को भी ज्ञापन दिया, जबकि आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं पुनः इस पर कई बार चर्चा कर चुका हूँ शासन प्रशासन से और कैबिनेट मंत्री कुसुम सिंह मेहंदेली जी, यहाँ पे वादा कर गई थी टिकुरिया मोहल्ले में कि मैं MLA बनने के बाद पानी की व्यवस्था करवा दूंगी, जबकि आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। टिकुरिया मोहल्ला डाकटी मोहल्ला बहुत ज़्यादा पानी से संकट में है, ना यहाँ पे बोर एक भी है और ना ही पाइपलाइन की व्यवस्था की गई आज तक। इस संबंध में CMO साहब भी कुछ कहना नहीं चाहते। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए थे
कि पानी की समस्या कहीं भी पनपने ना दे। अब देखना ये है कि ये समस्या कब तक जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचती है। अजयगढ़ से आजाद मोहम्मद की रिपोर्ट, SCN न्यूज।